प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अपराध के विरोध में भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक दिवसीय मौन धरना प्रदर्शन किया गया। सुपेला घड़ी चौक में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल रहे। मौन रहकर काली पट्टी लगाकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। लगातार प्रदेश में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार और दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। गौरतलब है कि भिलाई अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया। सुपेला में आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल रहे। महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने मौन रहकर अपना आक्रोश जताया। बता दें, जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ सुपेला घड़ी चौक में मौन धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर अपनी नाराजगी जाहिर की। अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में महिलाओं पर अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा, प्रदेश की पुलिस इन घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है, जिससे जनता में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है और सरकार को इस दिशा में ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। धरना स्थल पर जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांति बनाए रखी और प्रशासन से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। मौन धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने यह भी संकेत दिया कि अगर जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। घटनाएं में वृद्धि हुई है, चाहे वो महिलाओं के हो, चाहे समाज के, कोई भी अपराधी घटनाएं बढ़ी है। जब सुबह लोग उठते हैं तो पेपर देखते हैं तो प्रतिदिन महिलाओं के साथ और अपराधों में जो वृद्धि हुई, इसके लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में एक दिवसीय मौन धरना प्रदर्शन का हम लोग गांधीवादी तरीके से मौन धरना प्रदर्शन का आयोजन किए थे। तो हम लोग इसके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि अपराधी होते और यदि नहीं रोक सकते हैं, रोकने में नाकाम है, तो सरकार को पिछले 8 महीने में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, और खास तौर पर महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कई बार मुख्यमंत्री से मिली, गृह मंत्री से मिले, उसके बावजूद रिजल्ट ये है। आप आज भी देख रहे हो, आज के दिन भी स्थिति यह है कि यानी छोटे छोटे बच्चों के साथ जो बदतमीजी हो रही है, अब खुले रूप पर हम कुछ कह नहीं सकते, इतना जरूर है जो बदतमीजी हो रही है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब हमने एक ही निर्णय लिया प्रदेश कांग्रेस को लेकर कि धरना दो और ये मौन जुलूस निकालो, उससे लोगों को ये मालूम हो और महसूस हो, इसीलिए आज ये प्रदर्शन किया गया। महिला के प्रति अत्याचार अधिकांशतः बीजेपी के शासित लोगों में और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा ज़्यादा महिला शोषण किया जा रहा है, किंतु क्योंकि बंगाल में विपक्ष की सरकार है, उसको ज़्यादा हाईलाइट करके वहाँ सत्ता हासिल, हर केन प्रकार सत्ता हासिल करने का प्रयास उन्होंने किया है भाजपा ने, किंतु सफल नहीं हो पाए, तो उन्होंने एक महिला अत्याचार का नाम देकर वहाँ पे सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। जबकि अगर आप ग्राफ उठाकर देखेंगे उनके ही सरकार द्वारा दिए गए ग्राफ को, तो बीजेपी शासन में जितने अत्याचार हुए हैं महिलाओं के प्रति, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के जो नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, रोज उनके द्वारा महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, किंतु उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जैसे हम अपना बॉम्बे में
जो बदलापुर की, देखिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, बेटी होना, महिला होना, बच्ची होना गुनाह हो गया है। आप बताइए, क्या बेटी होना, महिला होना गुनाह है? क्या शासन प्रशासन केवल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, नेताओं के इशारे पे केवल षड्यंत्र रचने का काम करेगी? पुलिस अपना काम करना छोड़ के, अपराधियों को पकड़ना छोड़ के केवल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और षड्यंत्र करने में लिप्त हो गई है। हमारी भिलाई में 4 साल की बच्ची के साथ अनाचार होता है, उसका FIR नहीं होता, बिना FIR किए जांच हो जाती है। कोंडा गांव में एक महिला के साथ दुराचार होता है, 20 दिन तक FIR लिखी नहीं जाती, जब धरना प्रदर्शन किया जाता है तब FIR लिखी जाती है। अब तो ऐसा हो गया है, पार्टी देखते हैं, अपराधी की पार्टी देखा जाती है, तब कार्रवाई होती है और कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या, मैं तो आह्वान करना चाहूँगी, महिलाओं और बच्चियों के मामले में दलगत राजनीति से उठ के जागे, अलग जगाएं इस प्रकार का कि हम जिस छत्तीसगढ़ को माँ बोलते हैं, जिस भारत की भूमि को मातृभूमि बोलते हैं, उस माँ की रक्षा करने के लिए, महिलाओं की रक्षा करने के लिए यह आह्वान है। हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महिला, भाई बहन, सारे लोग मिलकर आज पूरे प्रदेश के पूरे जिलों में मौन धरना प्रदर्शन किए हैं, ताकि ये गुंडी बहरी सरकार, कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार, कुंठा से पीड़ित सरकार जागे और महिलाओं और माताओं की रक्षा हो सके और इनको न्याय मिल सके। इसी मौन धरना यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष द्वारा रखा गया था, उस कार्यक्रम में NSY, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सभी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित होकर मौन धरना देकर आज उन महिलाओं के लिए जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ में यहाँ धरना दिया गया। मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे नेता हैं, उनको यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए जिस प्रकार से आप कानून चेंज करने की बात कर रहे थे कि हमारा 400 पार कानून चेंज कर देंगे, तो आप महिलाओं के लिए क्या कानून बना रहे हैं? लोग दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बड़े शर्म की बात है। ऐसी मानसिकता को तो चौराहे पर रख के तुरंत भून देना चाहिए जो महिलाओं के साथ गलत विचार करते हैं। क्या आपके घर माँ बहन बेटी नहीं है? तो आपकी माँ बहन आपकी माँ बहन है और दूसरे की बेटियाँ आपकी बेटियाँ नहीं हैं, वो आपकी माँ बहन नहीं है। इसके ऊपर बहुत कड़ा कानून बनना चाहिए। जब हम महिलाओं को बराबरी का अधिकार चाहते हैं तो निश्चित तौर पर बराबरी का अधिकार कहाँ है? आप कैसे गलत नज़र से देख सकते हैं? आपके घर में बेटी है, आप अच्छे नज़र से देखते हैं, दूसरे की बहू बेटी इज्जतदार नहीं है? तो मैं चाहती हूँ इस देश के नेताओं को, छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भाजपा की जो गवर्नमेंट है उनको, कि आप कानून चेंज करवाने का, बड़ा बड़ा अंबेडकर जी के कानून बदलने लगे चले थे, तो महिलाओं के ऊपर हो रहे इस अत्याचार को अनदेखा क्यों कर रहे हैं? निश्चित तौर पर 50 बराबरी की हमारी जो महिलाएं अगली बार आपको बताएंगी कि अगर महिलाओं को इसी तरीके से बलात्कार होता रहेगा तो निश्चित तौर पर आप अगली बार नहीं आएंगे और कभी। सुपेलाघड़ी चौक में आयोजित इस मौन प्रदर्शन में रिसाली महापौर शशि सिन्हा, MISC संदीप निरंकारी, जोन अध्यक्ष राजेश चौधरी, सुरेश वर्मा, पूर्व महापौर सुश्री नीता लोधी, भिलाई निगम सभापति गिरिवर बंटी साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल रहे। सभी ने एक स्वर में महिलाओं पर होते अत्याचार के विरोध में आक्रोश जताया। ACN News के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।